हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अधिकांश क्लासेस। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 के एक्सरसाइज 8.4 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें सॉल्व करना है 9.756 माइनस 6.28 को। तो सॉल्व करते हैं 9.756, इसमें से हमें माइनस करना है 6.28 को। ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब हमें माइनस करना है। तो देखो यहां पर पॉइंट के बाद में 3 डिजिट दी हुई है और यहां पर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट दी हुई है। इसका मतलब ये अनलाइक डेसिमल है। इसको लाइक डेसिमल बनाने के लिए हम यहां पर 0 लगाएंगे और अब हम इसे माइनस करेंगे। तो 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 ही आएगा। 5 में से 8 को माइनस करेंगे, लेकिन क्योंकि 8 बड़ा है 5 छोटा है इसलिए माइनस नहीं हो पाएगा। तो हम 5 के लिए 1 बोरो करेंगे 7 में से। अब जब हमने 7 में से 1 बोरो करेंगे तो यहां पर 7 की जगह पर 6 बचेगा और यहां पर बोरो करने के बाद 5 की जगह पर 15 हो जाएगा। अब हम 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहां पर आंसर आएगा 7। 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगाएंगे। 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो बचेगा 3 और ये हमारा आंसर हो गया। बी पॉइंट को सॉल्व करते हैं। यहां पर 21.05 माइनस 15.27। तो हम नोट करते हैं बी पॉइंट 21.05 माइनस 15.27। 5 में से 7 को माइनस करेंगे लेकिन 7 5 से बड़ा है इसलिए हम 5 के लिए 1 बोरो करेंगे 0 में से। पर यहां पर 0 है तो हम 1 बोरो करेंगे 1 में से। तो 1 में से जब हम 1 बोरो करेंगे तो यहां पर 0 बचेगा और यहां पर 0 की जगह पर हो जाएगा 10। लेकिन 10 में से हमको 1 यहां पर करना है तो इसलिए यहां बचेगा 9 और यहां पर हो जाएगा 15। अब हम 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8। 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा 7। पॉइंट की जगह पर पॉइंट आएगा। 0 में से 5 माइनस नहीं हो पाएगा इसलिए हम 2 में से 1 बोरो करेंगे तो यहां पर बचेगा 1 और यहां पर हो जाएगा 10। अब हम 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो बचेगा यहां पर 5। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। इसका आंसर आएगा 5.78। नेक्स्ट करते हैं सी पॉइंट। यहां पर 18.5 में से 6.79 को माइनस करना है तो हम नोट करेंगे 18.5। अब देखो यहां पर पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगाएंगे। हमेशा हमको पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाना है। हमें माइनस करना है 6.79। अब देखो ये जो वैल्यू हमें दी हुई है ये दोनों वैल्यूज अनलाइक डेसिमल्स है क्योंकि यहां पर पॉइंट के बाद में 1 की डिजिट दी हुई है और यहां पर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट दी हुई है। तो इन्हें लाइक डेसिमल बनाने के लिए हम यहां 0 लगाएंगे। अब हम 0 में से 9 को माइनस करेंगे लेकिन 0 से 9 माइनस नहीं होगा तो हम 1 यहां से बोरो करेंगे 5 में से। तो यहां 5 की जगह पर बचेगा 4 और यहां 0 की जगह पर हो जाएगा 10। 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1। 4 में से 7 को माइनस करेंगे लेकिन 7 बड़ा है 4 से नहीं होगा इसलिए हम 4 के लिए 8 में से 1 बोरो करेंगे। 8 की जगह पर बचेगा 7 और 4 की जगह पर हो जाएगा 14। तो 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा 7। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। 7 में से 6 को माइनस किया तो बचेगा 1 और 1 की जगह पर कुछ भी नहीं है नीचे तो 1 की जगह पर आएगा 1। तो इसका आंसर आ गया 11.71। लास्ट क्वेश्चन करते हैं डी। यहां पर हमें 11.6 में से 9.847 को माइनस करना है तो नोट करेंगे यहां पर 11.6 माइनस करना है। पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लगाएंगे 9.847। अब देखो यहां पर फिर से हमारे पास 2 नंबर्स हैं लेकिन यहां पर इधर तो पॉइंट के बाद में सिर्फ 1 ही डिजिट है और यहां पर 3 डिजिट दी हुई है। इसका मतलब ये अनलाइक डेसिमल्स है तो हम यहां पर भी 0 लगाएंगे। अब 0 में से 7 माइनस नहीं होगा इसलिए हम 1 बोरो करेंगे यहां से। पर यहां पर भी 0 है इसलिए हम 6 में से बोरो करेंगे। तो 6 में से 1 को बोरो किया तो यहां पर बचेगा 5। 0 की जगह पर हो जाएगा 10। पर इस 10 में से भी हमें यहां पर बोरो करना है तो यहां पर हो जाएगा ये 9 और यहां पर हो जाएगा 10। अब देखो 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो आएगा 3। 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 5। 5 में से 8 माइनस नहीं हो पाएगा क्योंकि 8 बड़ा है इसलिए हम 1 में से यहां पर बोरो करेंगे। तो 1 में से किया यहां पर 0 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 15। 15 में से 8 को माइनस किया तो बचेगा 7। पॉइंट की जगह पर पॉइंट आएगा। यहां पर 0 है और यहां पर 1 तो 1 में से बोरो करेंगे। यहां पर 0 हो जाएगा और यहां पर 10 हो जाएगा।
अब 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, तो यहां पर हमारा आंसर आएगा 1.753। तो स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें और आपकी बुक के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। हैव ए गुड डे। जय श्री राम।